खबर अलवर से, जहां थाना गाजी गैंगरेप मामला। आपको बता दें कि चालान पेश करने पहुंचे अधिकारी। SC ST कोर्ट में पेश होगा ये चालान। IO जगमोहन शर्मा ये चालान पेश करने वाले हैं। थाना गाजी गैंगरेप ये मामला है जहां चालान पेश करने पहुंच चुके हैं अधिकारी। SC ST कोर्ट में ये चालान पेश होगा। आपको अलवर से खबर बता रहे हैं जहाँ IO जगमोहन शर्मा ये चालान पेश करने पहुंचे हैं। अलवर से खबर जहाँ थाना गाजी गैंगरेप का ये मामला और इसी पर चालान पेश करने अधिकारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि SC ST कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। अलवर से आपको खबर बता रहे जहां IO जगमोहन शर्मा ये चालान पेश करेंगे। थाना गाजी गैंगरेप का ये मामला, सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला था। आपको बता दें कि चालान पेश हो चुका है। SC ST कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। थाना गाजी गैंगरेप का ये मामला था। IO जगमोहन शर्मा ने ये चालान पेश किया है SC ST कोर्ट में। अलवर से खबर जहां थाना गाजी गैंगरेप से जुड़ा ये मामला और चालान पेश कर चुके हैं अधिकारी। SC ST कोर्ट में ये चालान पेश किया गया। थाना गाजी गैंगरेप से बड़ी खबर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहाँ IO जगमोहन शर्मा ने चालान पेश कर दिया है। आपको थानागाजी गैंगरेप से जुड़ी ये खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी चंद्रशेखर, बताएं क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है, क्या चालान पेश कर दिया गया है? जी बताना चाहूंगा कि थानागाजी गैंगरेप मामले की एक बड़ी खबर आज आई है कि पुलिस ने अभी कुछ देर पहले ही चालान पेश कर दिया है। जांच अधिकारी DSP जगमोहन शर्मा ने चालान पेश किया है। सभी 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। अब यह मामला पूर्ण रूप से कोर्ट के ऊपर आ गया है। न्यायालय क्या सजा देता है, क्या नहीं देता, और माना जा रहा है कि जो पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत यह मामला लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 7 दिन के अंदर कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। रवीना जी, चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, थानागाजी गैंगरेप से जुड़ा यह मामला जिसमें अधिकारियों ने इस मामले में चालान पेश कर दिया है। SC ST कोर्ट में चालान पेश किया गया है और IO जगमोहन शर्मा ने चालान पेश किया।